नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लाई व्हील इन पंचिंग प्रेस। तो फ्लाई व्हील का क्या काम होता है पंचिंग प्रेस में? इससे पहले हमने जाना था कि जो फ्लाई व्हील है हम फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर यूज करते थे, और फोर स्ट्रोक इंजन में इसका क्या काम होता था, फ्लक्चुएशन ऑफ जो स्पीड होती थी उसको रिड्यूस करना। हमें पता था जो वर्किंग स्ट्रोक है उसके दौरान ज्यादा एनर्जी बनती थी इंजन के अंदर, और उसको स्टोर कर लिया जाता था फ्लाई व्हील के द्वारा, और बाकी के जो स्ट्रोक हैं तो वो उसी एक्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करते थे। तो फ्लाई व्हील की स्पीड जो है इंक्रीज होती थी जब वर्किंग ज्यादा होती थी, यानी कि एनर्जी जो स्टोर होती थी उस समय, और डिक्रीज होती थी जब उसमें से एनर्जी हम निकालते थे। तो ये काम था फ्लाई व्हील का। लेकिन वहां पर क्या था, हमारे पास जो टोर्क थी वो वेरी करती थी। जो टोर्क थी किसकी टोर्क, जो कि क्रैंक शाफ्ट की टोर्क थी। लेकिन वहां पर जो लोड था वो हमारा कॉन्स्टेंट था, लोड नहीं वेरी करता था, टॉर्क वेरी करती थी, क्योंकि वर्किंग स्ट्रोक में ज्यादा स्पीड होती थी और जो बाकी के स्ट्रोक थे उनमें कम होती थी, यानी कि टॉर्क वेरी करती थी लेकिन लोड कांस्टेंट था। इसी तरह से हम फ्लाई व्हील का यूज पंचिंग प्रेस में भी कर सकते हैं, जहां पर जो टॉर्क हो वो तो हमारी कांस्टेंट हो और लोड जो है वो वेरी करे, वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। वही हमें देखना है कि हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी फिगर को समझते हैं। यहां पर हम एक मोटर ले लेते हैं और उसके साथ एक पुली अटैच है, या आप गियर सिस्टम को अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर ये हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक जो है इसके साथ गियर को अटैच कर लेते हैं, या पुली मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं कि पुली आप अटैच कर लीजिए। और इसके बाद एक और जो है पुली यहाँ पर लगाई गई है, स्पीड को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम स्टेप्ड पुली का यूज करते हैं। तो उस तरह की एक पुली या फिर आप गियर सिस्टम देख सकते हैं। तो यानी कि इस तरह से अरेंजमेंट लगाया गया है स्पीड को जो भी हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए। तो यहाँ पर गियर अरेंजमेंट हो गया, और इसके साथ हमारी कनेक्टेड हो गई जो कि क्रैंक है, ये हम मान लेते हैं ये जो क्रैंक शाफ्ट है। अब इसके अंदर हम क्रैंक को दिखाएंगे, ये जो है क्रैंक शाफ्ट हमने दिखाई है, क्योंकि जब क्रैंक घूमेगी तो क्रैंक शाफ्ट भी घूमेंगी, तो वो चीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहां पर हम दिखा देते हैं कि इस तरह से क्रैंक और जो कनेक्टिंग रोड है इस तरह से है हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो है ये इसको हम दिखा देते हैं कि ये क्रैंक है, ध्यान रखिएगा, और ये जो है कनेक्टिंग रोड है। तो ये हो गई कनेक्टिंग रोड, ये हमें पता है, हमने सिंपल जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन देखे थे उसके अंदर भी इनका फंक्शन देखा था कि जब ये क्रैंक घूमती है तो ये घूमती है, तो इससे हमारी अटैच होती है एक तरह से क्रैंक शाफ्ट। तो वो मैकेनिज्म यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है कि जब क्रैंक घूमेगी तो उससे क्रैंक शाफ्ट अटैच होगी तो वो घूमेगी। तो यहां पर ये क्रैंक जो है हम ये मान लेते हैं कि ये इस तरह से घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम मान लेते हैं कि ओमेगा है फिलहाल, ये वैसे ही समझने के लिए मान लेते हैं कि कुछ भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिससे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है इसके अंदर हमें होल करना था, ये प्लेट है, ये वर्क पीस है जो भी आप कह लीजिए, जिसकी थिकनेस जो टी है, ये मान लेते हैं इसकी थिकनेस टी है, और यहाँ पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, या आप कह लीजिए कि ये डाई है जहां पर इनको फिक्स किया गया है प्लेट्स को, ताकि इसके बीच में एक होल को पंच कर सकें। तो यहाँ पर होल हमने दिखाया कि हो चुका है इसके अंदर, लेकिन आपको ये समझना है कि अभी ये जो है इस तरह से जुड़ी हुई है, अभी होल नहीं हुआ। तो होगा क्या इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये पंच है, ये पंच अभी इस पोजीशन में है, यानी कि इससे थोड़ी ऊपर था, इससे टकराने से पहले, इस प्लेट के ऊपर पंचिंग करने से पहले, या कहें कि होल यहां पर प्रोड्यूस करने से पहले इस पोजीशन पे था स्टार्टिंग में। और यहां से हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, और ये जो एंगल है, ये जो क्रैंक का एंगल है यहां से यहां तक का, ये हम ले लेते हैं कि ये थीटा वन है फिलहाल। यहाँ जीरो से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये थीटा वन एंगल पर जब पहुंचता है तो ये यहां पर है। एक हमने ये डायग्राम ली है कि इस पोजीशन पर है वो, अभी थीटा वन एंगल है क्रैंक का, और ये जो पंच है इस पोजीशन पर है इसे टकराने से पहले। अब ये जो पंच है हमारा आगे की तरफ मूव करता है इस तरह से, और यहां पर ये होल क्रिएट कर देता है। अब ध्यान से देखिए, यहां भी क्रैंक का एंगल देखिए कि यहाँ थीटा वन था, यहाँ थीटा टू हम ले लेंगे। ये ध्यान से देखिए कि इस तरह से ये क्रैंक पहले यहां थी, अब जो क्रैंक है यहां पर आ गई है, पहले यहां थी अब यहां पर आ गया, और पंच पंच को देखिए, पहले ये यहां पर था अब ये नीचे की तरफ आ गया है, इसे स्ट्राइक करता हुआ एंड में पहुंच चुका है, यानी कि ये होल प्रोड्यूस कर चुका है यहां पर। तो इस तरह से मूव की, ये आप समझ गए होंगे कि जो क्रैंक है वो किस तरह से मूव की, ये थीटा वन पे एंगल पे थी
तो यहां से यहां तक का अगर हम एंगल देखें, यहां से यहां तक का जहां पर ये सेकंड वाला जो एंगल बना है ये जो है थीटा टू है हमारा, तो ये थीटा वन था, ये थीटा टू है। तो यहां पर हमने देखा ये क्रैंक का एंगल था, और यहां पर हमने देखा ये पिस्टन की पोजीशन थी, पहले यहां और यहां, ये होल प्रोड्यूस करके ये पोजीशन है, उससे पहले ये थी। तो यहां पर अगर हम टोटल देखें जो पंचिंग ऑपरेशन है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, जो पंचिंग ऑपरेशन हुआ है वो कहां से कहां तक हुआ है, वो थीटा वन से थीटा टू तक ही तो हुआ है, यानी कि जीरो से थीटा वन तक, थीटा वन जो पहले की पोजीशन थी, फिर थीटा टू पे गई ये क्रैंक, यानी कि जहां पर इसने होल को प्रोड्यूस कर दिया, तो थीटा वन से थीटा टू तक ही हमारी एक्चुअल पंचिंग हुई है। ये तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल पंचिंग हमारी इस दौरान ही हुई है, क्रैंक एंगल के दौरान, जब थीटा वन से थीटा टू वो गई है, यानी कि इतना एंगल वो गई है, या आप कह लें कि थीटा टू माइनस थीटा वन जो है ये एक्चुअल एंगल है क्रैंक एंगल का, जो कि पंचिंग प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पंचिंग ऑपरेशन जो है हमारा इस क्रैंक एंगल पर होता है और इस पोजीशन पर होता है, जब पंच हमारा यहाँ पर मूव करता है और यहाँ पर एक होल प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए अभी हमने कोई भी यहाँ पर फ्लाई व्हील यूज नहीं किया, तो फ्लाई व्हील यूज नहीं किया इसका मतलब क्या है कि जब हमारी क्रैंक जो है थीटा वन, ये जो हमने ये एंगल लिया है थीटा टू माइनस थीटा वन करके, तो यहाँ पर ये जो काम करता है तो यहाँ पर पूरा लोड पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इसको प्लेट के अंदर पंच करना होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी स्पीड जो है अगर हम क्रैंक शाफ्ट की देखें तो काफी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि काफी लोड पड़ेगा। लेकिन थीटा टू के बाद अगर हम बात करें दोबारा से घूम कर, जब ये यहां तक आएगी, यहां थीटा टू से जीरो पे गई, जीरो से थीटा वन पर आई, तो यहां तक तो इसकी जो स्पीड है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाना जब इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है, और उसके बाद फिर से जब यहां पर लोड पड़ेगा तो यहां पर पंचिंग के दौरान फिर से काफी ज्यादा एकदम से उसकी डिक्रीज हो जाना, इसी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कम करने के लिए यहां पर फ्लाई व्हील का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम यूज करते हैं फ्लाई व्हील। तो ये आप समझ गए होंगे कि फ्लाई व्हील का यूज जो है किस लिए किया जाता है, कि ये जो लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड थी विदाउट लोड और विद लोड, तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए फ्लाई व्हील का यूज किया जाता है। जब एक्सेस ऑफ स्पीड होती है क्रैंकशाफ्ट की, तो फ्लाई व्हील जो है उसकी भी स्पीड इंक्रीज होती है, उस समय ये अपनी एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर कर लेता है, और बाकी जब ये लोड कंडीशन आती है पंचिंग के दौरान, उस एनर्जी का यूज जो है वो यहां पर करता है, जो एक्सेस एनर्जी इसके अंदर होती है। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है वो हमारी कम हो जाती है, या कहें कि रिड्यूस हो जाती है। इतना हम समझ गए। अब कुछ टर्म को हम समझते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं डी वन जो है डायमीटर ऑफ द होल पंच है, जो कि ये होल पंच किया गया है यहां पर इस प्लेट के अंदर, इसका जो डायमीटर है वो डी वन ले लेते हैं, टी वन ले लेते हैं थिकनेस ऑफ द प्लेट की, जो इसकी थिकनेस है ये टी वन है, टी यू है अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो कि इसके अंदर जो है प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो कि है इसका, एफ एस है मैक्सिमम शियर फोर्स जो कि हमें रिक्वायर्ड है पंच करने के लिए, तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू जो है अभी हम एफ एस से उसको डिनोट करेंगे, ई वन क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ए होल, अगर हम होल करना चाहते हैं उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, E2, एनर्जी सप्लाइड बाय द मोटर टू द क्रैंकशाफ्ट, जो कि ये मोटर है, इसको ये मोटर है और ये जो है सप्लाई कर रही है एनर्जी टू द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन, ये यहां पर लिखा गया है एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन, मतलब जो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। अब पूरा रेवोल्यूशन तो क्या है, 2 पाई का है, अगर एक्चुअल हम पंचिंग देखें तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 में हुई, तो यानी कि अगर इसका रेवोल्यूशन देखें हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय 2 पाई हम कर देंगे, यानी कि ये जो अगर फ्रैक्शन निकाले, ये जो एंगल निकाले, तो इतना आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है अभी हमें। अब यहां पर इसकी वर्किंग को समझते हैं कि मान लीजिए जब ये इसे स्ट्राइक किया, ये जो पंच है इस प्लेट से स्ट्राइक किया, तो यहां पर जो शियर फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे ये इसके अंदर पंच जो है इसके अंदर होल क्रिएट करता रहेगा, तो ये मैक्सिमम से अगर हम देखें तो मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाती रहेगी। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो शियर फोर्स होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होकर यूनिफॉर्मली जीरो तक आएगी, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम थी और यूनिफॉर्मली ये यहाँ तक पहुंच गई, तो यानी कि एक इस तरह का ट्रायंगल जो है ये बना लेती है जो शियर फोर्स है और टी के साथ जो थिकनेस है इसके साथ। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी को निकालें, यानी कि इसका अगर हम वर्क डन निकालना चाहें या एनर्जी रिक्वायर्ड जो है पंचिंग ए होल, तो वो हमारी कितनी होगी इस ट्रायंगल के हिसाब से,
तो वो क्या होती है, हमारी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप लिख सकते हैं। तो E1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी हाफ इंटू एफ एस इंटू टी। एक तरह से हमने ये कहा कि यहाँ पर मैक्सिमम है और मैक्सिमम से यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुई जीरो तक। तो एक तरह के ट्रायंगल का एरिया हो गया और वही हमारा वर्कडन हो गया और वही वर्कडन एनर्जी के बराबर हो गया जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर पंचिंग ए होल। तो E1 हमने ये ले ली एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ए होल। लेकिन अगर हम वन पंचिंग ऑपरेशन के दौरान देखें यानी कि पर रेवोल्यूशन के दौरान देखें तो सिर्फ यही फ्रैक्शन जो है एक्चुअल पंचिंग कर रहा है, ये फ्रैक्शन जो है यानी कि ये जो हमने निकाला अगर पूरे रेवोल्यूशन के साथ उसकी तुलना करें तो E2 जो एनर्जी होगी यानी कि एक्चुअल पंचिंग के लिए जो हमें जो एनर्जी चाहिए जो मोटर जो सप्लाई कर रही है क्रैंकशाफ्ट को, तो वो कितनी होगी हम उसको E2 से डिनोट कर देंगे और वो होगी हमारे पास E1 और यहाँ पर आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय 2 पाई। यानी कि इसी फ्रैक्शन के लिए तो एक्चुअल पंचिंग हो रही है इस एंगल के लिए। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 पर रेवोल्यूशन के लिए अगर हम देखें 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई हो जाएगा तो ये E2 आ गई। अब अगर हम जो है एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर निकालें यानी कि अब इसमें से जो एनर्जी कौन सी ज्यादा है, E1 वाली ज्यादा है क्योंकि ये जो है हमारी इसके अंदर ये कम है जो E2 है क्योंकि ये इस फ्रैक्शन के लिए हम देख रहे हैं। तो E1 माइनस E2 अगर हम निकालें यानी कि मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी अगर हम निकालें जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, डेल E के बराबर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू को पुट करते हैं ये क्या हो जाएगी हमारे पास हाफ एफ एस इंटू टी और माइनस इसमें से हम वैल्यू जो है ये माइनस कर देंगे E1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय 2 पाई, यही हो जाएगी। यहाँ पर हाफ एफ एस इंटू टी जो है हमारा E1 है तो यहाँ पर आप E1 भी पुट कर सकते हैं ताकि हम इन दोनों में से E1 को कॉमन आउट ले सकें। तो E1 जब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस, तो ये क्या आ जाएगी थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय 2 पाई, तो यही हमारे पास आ जाएगी। अगर हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी देखें E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू ये पुट कर दी या E1 की वैल्यू कुछ ना पुट करें तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं E1 को और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की। तो इस तरह से देखिए जो वैल्यू है यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं ये भी ध्यान रखना है, कब इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम जो क्रैंक रेडियस है यानी कि ये जो क्रैंक थी इसकी रेडियस अगर हमें आर पता हो, इस कनेक्टिंग रोड की जो लेंथ है वो एल पता हो और इसकी रिलेटिव पोजीशन पता हो हमें पंच की कि ये कहाँ पर है जब हम इसके अंदर पंचिंग कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द जॉब विद रिस्पेक्ट टू द क्रैंकशाफ्ट एक्सिस हमें पता हो, तो वो इस तरह से काफी चीजें हमें पता होने चाहिए। लेकिन अगर ये डाटा हमारे पास मौजूद ही ना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है यानी कि थीटा 2 थीटा 1 अगर हमारे पास नहीं है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय 2 पाई की जगह इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी बाय 2s लिख सकते हैं। ये टी क्या है, एक तरह से जो थिकनेस है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या था यहाँ पर जब क्रैक एंगल यहाँ पर मूव किया तो उसने टी 1 थिकनेस के अंदर होल किया था तो इसको आप टी के बराबर लिख सकते हैं। और 2s यहाँ पर क्या है, यहाँ पर s जो है ये स्ट्रोक ऑफ द पंच है यानी कि ये जो स्ट्रोक है पंच का और ये जो है 2r के बराबर होता है यानी कि 2 इंटू क्रैंक रेडियस के बराबर होता है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो 2r s को 2r पुट करेंगे, s क्या है हमारा 2 इंटू क्रैंक रेडियस यानी कि 2r के बराबर है, तो s को अगर आप 2r पुट करेंगे 4r आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का भी यूज आप कर सकते हैं, अज्यूम आप इस तरह से कर सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 को t 2 पाई की जगह यहाँ पर 2s s 2r के बराबर है और ये 4r आ जाएगा। तो इस तरह से जो फ्लाईव्हील है पंचिंग प्रेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जब वो पंचिंग करता है कितने एनर्जी हमारी यहाँ पर यूज होती है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।